जय जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उनके लिए जो का पेट ऐसे निकला हुआ, और उनके लिए भी जिनका नहीं निकला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जो सबको काम आने वाले हैं। दोस्तों, आप गांव में या कहीं भी देखते होंगे कुछ लोगों का पेट ऐसे निकला होता है और कुर्ता पजामा पहन के ऐसे नेताजी की तरह चलते हैं। भाई कौन जा रहा है? अरे भैया, ये तो नेताजी हैं, खाते पीते घर के हैं। उनके घर पर जाके पूछिए, उनकी जो वाइफ है ना, मुँह से तो नहीं बोलती बेचारी वो मार खाने के डर से, लेकिन मन ही मन वो बोलती हैं कि गाली देती हैं अपने उनको जिनके पेट निकले होते हैं उनके पति को। दोस्तों बहुत ही खराब लगता है यार। कोई बात नहीं, आज मैं उन लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट लेके आया हूँ कैसे इसको कम कर सकते हो। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आज मैं हूँ कहाँ। तो दोस्त दिखाइए इनको, ये हरे हरे जो हमारे खेत खलिहान, यहाँ के जो ये गाँव है दोस्तों, गाँव यहाँ पे, यहाँ का जो है पानी ना क्या मज़ा आता है यार पीने के बाद। मिनरल वाटर है यहाँ का, देखो खेती हरी हरी, यहाँ का जो वायु है कितनी स्वच्छ सुंदर, और बहुत ही मज़ा आता है यार गाँव में। बस एजुकेशन की कमी है, यहाँ पे अच्छे स्कूल उतने नहीं हैं जितने शहरों में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्त, जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा उसमें सबसे पहले मैं बताऊं, किसी भी एक्सरसाइज को करने के पहले हमें ज़रूरी है कि हम दौड़ के आएँ, 2-3 किलोमीटर दौड़ के आएँ, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो शरीर गर्म रहे। बिना दौड़े बिना रनिंग के एक्सरसाइज कभी मत करना, नहीं तो शरीर में प्रभाव पड़ेगा, शरीर साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, इसलिए दोस्त। ओके, तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। शरीर को चुस्त दुरुस्त और पूरे दिन फुर्ती रखने वाली है, और इसके अलावा यह पेट को कम भी करती है। तो बताते हैं आपको हम, सबसे पहली जो आप एक्सरसाइज है वो है रोलिंग की, जो हमारी भाषा में बोलते हैं फ्रंट रोल, लेकिन आपको आप रोलिंग बोल सकते हो, या दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से सबसे पहले इस पंजे के बल पे आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है, हिप को इस एड़ी के ऊपर रखना है, और ये दोनों हाथ को नीचे टेकना है, और सिर जो ये सिर है इसको दोनों पाँव के बीच में यहाँ करना है, और अपने शरीर को हल्के मोमेंट देते हुए आगे तरफ धकेलना है। चोट नहीं लगनी चाहिए, अगर ये अंदर रहेगा पैरों के बीच में तो आराम से आप अपने आप को रोलिंग कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, देखिए ये है तरीका, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है दोस्त। इस एक्सरसाइज को अगर आप करते हो, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि शरीर पूरे दिन फुर्ती में रहेगी, आप चुस्त दुरुस्त रहोगे, और पेट तो कम होगा ही होगा, 100% है ये एक्सरसाइज। उसके बाद अब मैं दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ जिसके अंदर आपको इससे भी अच्छी आपको सुविधा मिलेगी, आपको शरीर इफेक्टिव होगी। तो इसमें क्या है, लेट जाना है, उसके बाद सिर को यहाँ हाथों से पकड़ना है ऐसे, और यहाँ से अपने नाक को ऊपर जो आना है, और नाक को पैर के से टच करना है, और जिसको लगता है कि हाथ में पीछे नहीं पकड़ पाऊँगा वो क्या करना है, यहाँ रख लेना है, यहाँ से अप करना है, यहाँ सबसे अच्छा होता है, यहाँ लगा के यहाँ पेट दबेगा, कमर ये एकदम बढ़िया हो जाएगी आपकी, फुर्ती वाली कमर। इसको और आगे बढ़ा सकते हो इस एक्सरसाइज को, इस पाँव को ऊपर उठाना है और यहाँ ले जाना है, फिर यहाँ लाना है, पूरा नीचे नहीं रखना, 6 इंच ऊपर, फिर ले जाना है। ये एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो, पेट भी सही हो और पाचन शक्ति, देखो पाचन शक्ति अच्छी होगी तभी आपको अच्छा डाइट मिलेगा, अच्छा जो है सर्कुलेशन मिलेगा, खून बढ़ेगा, तो अपने पाँव को 6 इंच ऊपर उठाओ, 6 इंच ऊपर उठाओ, जब तक उठा के रखो जब तक आपको थकान ना महसूस हो जाए, ऐसे लगातार करना है जब तक आप कर सकते हो, फिर रख दो, फिर उठा लो। ये एक्सरसाइज लगातार करनी है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पेट मजबूत, लीवर मजबूत। ये तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज। इसके अलावा आपको जैसे पीछे कोई पकड़ने वाला हो, मान लो जैसे कोई पेड़ हो या कोई पकड़ने वाला हो, यहाँ से ये धीरे धीरे ले आओ नीचे, फिर मारो झटका, फिर नीचे लाओ, फिर ऊपर मारो, ये सबसे प्रभावशाली एक्सरसाइज है, बहुत ही प्रभावशाली एक्सरसाइज है। उसके अलावा जब आप कहीं से दौड़ के आते हो उसके बाद यहाँ से आप एक्सरसाइज शुरू करनी है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ सब एक्सरसाइज बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन आप जिसके अंदर आपको पेट के बल लेटना है और यहाँ धनु आकार बनाना है, देखिए यहाँ पर पेट पर जोर पड़ता है, ये
और कमर पे जोर पड़ता है, पेट एकदम दबा रहता है, ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आप जितना कर सकते हो करो। ये काफ़ी यूजफुल एक्सरसाइज है। उसके बाद अब आपको मैं अगली एक्सरसाइज बताता हूँ, इसके अंदर आपको ये काफ़ी फुर्ती वाला एक्सरसाइज है। इसके बाद ये इसके अंदर लेट जाना है पीठ के बल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप गर्म पानी में शहद डाल के पीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले चैनल को आप मज़ा ले सकें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।